नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर बीआर अंबेडकर आवास योजना से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो को देखने से पहले मैंने इससे संबंधित एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, आशा करता हूँ आपने उसे देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले आप उसे एक बार जरूर देख लें। आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। झारखंड में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2016 में अथवा ऑप्शन डी 2019 में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2016। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है, झारखंड में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना की शुरुआत अम्बेडकर के कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी? 100वीं जयंती, 115वीं जयंती, 125वीं जयंती अथवा 150वीं जयंती। इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 125वीं जयंती। आज का तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है? अविवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं, वृद्ध महिलाएं अथवा बीपीएल परिवार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विधवा महिलाएं। दोस्तों आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना का शुभारंभ किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हुई थी? बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन अथवा रघुवर दास। इसका उत्तर है ऑप्शन डी रघुवर दास। इस योजना की शुरुआत रघुवर दास के शासनकाल के दौरान 2016 में शुरू हुई थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 2016 में शुरू की गई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित चार स्टेटमेंट और चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से आपको सही उत्तर चुनना है। आइए पहले देखते हैं चार स्टेटमेंट। समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखना, विधवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना, गरीब महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना अथवा वृद्ध महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना। इसका ऑप्शन ए है केवल ए और सी, ऑप्शन बी केवल ए और बी, ऑप्शन सी केवल ए और डी और ऑप्शन डी केवल सी और डी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है। अर्थात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना का उद्देश्य है समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखना, साथ ही विधवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 6। झारखंड में 2016 में शुरू की गई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? विधवाओं को आवास के अतिरिक्त पेंशन की भी सुविधा है, यह राशि लाभार्थी को उसके बैंक खाते में 3 किश्तों में दी जाती है, इस योजना में प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण विधवाओं के लिए आवास बनाए जाते हैं अथवा उपरोक्त सभी। दोस्तों इस छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए आज का सातवां प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना के तहत वर्तमान में दी जाने वाली राशि कितनी है? संशोधित दर है 70,000, ऑप्शन बी 75,000, ऑप्शन सी 1,30,000 अथवा ऑप्शन डी संशोधित दर 2,30,000। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास योजना के तहत वर्तमान में लाभार्थी को 1,30,000 रुपये दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।